एक YouTube वीडियो में वीडियो क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो की बेसिक नॉलेज के साथ हम वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छी खासी लाइटनिंग में एक अच्छा खासा वीडियो फुटेज निकाल सकते हैं। बट ऑडियो, बिकॉज ऑडियो को रिकॉर्ड करना और इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना, इसमें एडिटिंग करना इतना ईजी नहीं है, उसके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए साउंड और ऑडियो की। तो इसे इम्प्रूव कैसे करें? आप ऑडियो क्वालिटी आपकी आवाज़ पर डिपेंड नहीं करती, आपकी आवाज़ अच्छी है या बुरी ये करती है आपके डिवाइस के ऊपर डिपेंड और आपके एटमॉस्फेयर पे। अब एटमॉस्फेयर इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? बिकॉज जब आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, बैकग्राउंड नॉइस, रिवर्ब, एको और भी बहुत सारी चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं ऑडियो के साथ, अब इन्हें रिमूव कैसे किया जाए और अपनी ऑडियो को नेक्स्ट लेवल कैसे ले जाया जाए? अब इस प्रॉब्लम के हमारे पास दो सोल्यूशन है, पहला पोस्ट प्रोडक्शन और दूसरा प्री प्रोडक्शन। फर्स्ट आती है प्री प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज प्री प्रोडक्शन मतलब आ जाता है जो गलतियां आप शूटिंग के टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ऑडियो में नॉइस क्रिएट हो या फिर रिवर्ब इफेक्ट आए या फिर एको इफेक्ट आए। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल लैंग्वेज, पोस्ट प्रोडक्शन में हम इन ऑडियो में से जो भी चीज़ें होती हैं उसमें फ़िल्टर करते हैं, हम इफेक्ट लगाते हैं, नॉइस रिडक्शन करते हैं और दो तीन इफेक्ट डाल के आपको एक ऑडियो अच्छी खासी क्वालिटी में प्रोवाइड हो जाती है। बट पोस्ट प्रोडक्शन पूरी तरह से प्री प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करती है। अगर आपकी प्री प्रोडक्शन अच्छी होगी तो पोस्ट प्रोडक्शन और भी अच्छे लेवल पर हो सकती है। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ऑडियो की प्री प्रोडक्शन के बारे में, ताकि आप शूटिंग के टाइम पे ध्यान रखें जिन बातों का और आप अच्छी क्वालिटी निकाल पाएँ। बिकॉज एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें लेकर आना वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी बना देता है और कहीं ना कहीं कई टॉपिक्स और कई चीज़ें इसमें अवॉइड हो जाती हैं। प्री प्रोडक्शन में पहला क्वेश्चन होगा माइक, कि कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट है, बिकॉज मुझे पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। एक पुरानी कहावत है, जितना आप शक्कर डालोगे मिठास उतनी ज़्यादा मिले। जाहिर बात है इसका मतलब है जितना आप पैसा खर्च करोगे आपको उतनी अच्छी क्वालिटी और उतने अच्छी इक्विपमेंट्स मिलेंगे। बट स्टार्टिंग में आप हर चीज़ पे पैसा नहीं लगा सकते। अगर आप मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप प्लीज़ इंटरनल माइक का यूज़ ना करें, ना कैमरे का ना फ़ोन का। बिकॉज इंटरनल माइक में आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है ऑडियो की, और कहीं ना कहीं पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पे ये ऑडियो इतनी अच्छी इन्हेंस नहीं हो पाती है। अब जिन लोगों के पास एक्सटर्नल माइक नहीं है और वो बाय भी नहीं करना चाहते बिकॉज बाय करने का कोई बेनिफिट नहीं है उन्हें, रोज जो वीडियोस नहीं बनाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? तो आप प्लीज़ कोई दूसरा मोबाइल यूज़ करें रिकॉर्डिंग के लिए, बिकॉज वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए किसी भी एक्सटर्नल माइक से, तो फिलहाल तो, बिकॉज एक्सटर्नल माइक कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसिव आते हैं जो अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं, और आपका फ़ोन बहुत अच्छा डिवाइस है इस काम के लिए। बट हमारे फ़ोन में पहले से ही इंटरनल माइक है तो हम दूसरा फ़ोन का माइक यूज़ क्यों करें? तो वो प्रॉब्लम है आपकी दूरी आपके फ़ोन से। अगर आप ज़्यादा दूर रहेंगे अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी वॉइस के साथ साथ बहुत सारी और वॉइस रिकॉर्ड करेगा, जिससे आप एडिटिंग के टाइम पे इतनी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। बट वहीं पे अगर आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। अगर आपके पास सेकंड कोई फ़ोन नहीं है जिसमें आप रिकॉर्ड कर पाए, तो आप फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज कुछ ना होने से बेटर है कुछ होना। अब माइक की बात हो गई है, अब बात करते हैं बैकग्राउंड नॉइस को कैसे कंट्रोल किया जाए। बैकग्राउंड नॉइस मोस्टली आपके घर के आसपास बच्चों को रोना, कुत्तों को भौंकना, या फिर कंस्ट्रक्शन का काम या व्हीकल्स का आना, इस टाइप की बैकग्राउंड नॉइस क्रिएट होती है मोस्टली। फर्स्ट आप एक ऐसा टाइम यूज़ करें जिस टाइम ये चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, या तो मिडनाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। मोस्टली यूट्यूबर्स यही दो टाइम यूज़ करते हैं शूटिंग का। तो सेकंड है अपना फ़ैन ऑफ करके ही रिकॉर्ड करें जिस रूम में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज फ़ैन बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है। और अगर आप ऑफ नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे बहुत कम स्पीड पर चलाएं जिससे नॉइज़ बहुत कम क्रिएट हो। ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप पहले के दोनों पॉइंट को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, बट इन पॉइंटों को इग्नोर मत करना गलती से भी। कभी भी खाली कमरे में शूट ना करें, बिकॉज खाली कमरे में आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा गूंजती है। रिकॉर्डिंग करते टाइम अपनी वॉल्स को किसी बेडशीट से कवर कर दें, अपने आसपास थोड़ी सी ज़्यादा बेडशीट रखें जिससे आपकी नॉइस कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ कोशिश करें कि आप वॉल से थोड़ा सा दूर हट के शूट करें। अगर आप इतना तामझाम नहीं कर सकते तो एक महंगा सोल्यूशन आपके पास है, एक साउंड प्रूफ कमरा, तो जो मुझे नहीं लगता हर कोई अफोर्ड कर सकता है और हर कोई बना सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर आपको इसी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आएंगे कि हम वॉल पे बेडशीट क्यों लगाएं या कंबल क्यों रखें अपने
रूम में, इससे क्या बेनिफिट होगा। अब जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्हें पता होगा साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, और वाइब्रेशंस जो आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में वेव के फॉर्म में चलती हैं। अब इन वेव्स का सिंपल रूल होता है, अगर वो किसी सॉलिड चीज़ से टकराती हैं तो ये लौट के वापस आती हैं, और अगर ये किसी सॉफ्ट चीज़ से टकराती हैं लाइक ब्लैंकेट, तो वो ब्लैंकेट इसे एब्जॉर्व कर लेता है। तो उसी रीज़न से जब आप एक रूम में शूट करते हो, जब आप जो भी वर्ड बोलोगे वो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन के फॉर्म में आपके आसपास फ्लोट करता रहता है, हाँ, और वो आपके रूम की दीवार पे जाकर टकराएगा और वापस आके आपकी रिकॉर्डिंग को ही ख़राब करता है। उससे एको इफेक्ट, रिवर्ब इफेक्ट और भी बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट होते हैं। इसी रीज़न से कोशिश करें अपने आसपास ब्लैंकेट, टॉवल, पिलो, बेडशीट, कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी तरह से रख लें जिनकी वजह से आपकी नॉइज़ क्रिएट ना हो। इस वीडियो में मैं बात की थी, अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल माइक अवेलेबल नहीं है तो आप एक सेकंड मोबाइल का यूज़ करके आप ऑडियो क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट इससे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, जो लोग फ़ोन में एडिटिंग करते हैं और जो लोग सीधा ऑडियो वीडियो से ही लेते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है सिंक्रोनाइजेशन की। तो सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम अपनी ऑडियो की पोस्ट प्रोडक्शन वाली वीडियो की मैं बात करेंगे, और मैं शेयर करूँगा एक AI टूल जिससे हम अपनी ऑडियो को और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं, और जो लोग NVIDIA का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं उनके साथ एक सॉफ्टवेयर जिससे वो नेक्स्ट लेवल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने PC में, अगर वो गेमिंग या किसी भी तरह की शूटिंग कर रहे हैं तो आप ऑडियो को बहुत ज़्यादा अच्छे से शूट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये फालतू की चीज़ें नहीं अपनानी पड़ेगी, कंबल, बेडशीट ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं अपनी ऑडियो को नेक्स्ट लेवल ले सकते हैं। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो कंप्लीट करके वो वीडियो जरूर देखें मिलने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।